जमुआ प्रखंड अंतर्गत लताकी में बिजली कटौती का मामला शुरू से ही सुर्खियों में है। गिरिडीह का पारा 40 के पार है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में लताकी फीडर जिसके अंतर्गत लताकी, गोरो, चुरगत्ता एवं सियाटा के कुछ गांव इत्यादि पंचायत के लोगों को 24 में 4 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। बिजली नहीं मिलने के कारण हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अभी वर्तमान समय में 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है, ऐसे समय में अगर बिजली नहीं मिलती है तो सीधा छात्र के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगी। बिजली की खराब व्यवस्था को लेकर सियाटा पंचायत अंतर्गत गुलहैया के ग्रामीणों ने बिजली विभाग एवं प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग बिजली कटौती में सुधार लाए, अन्यथा स्थानीय ग्रामीण उग्र आंदोलन को विवश होंगे। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल तो पूरा लिया जाता है, लेकिन बिजली आधी भी नहीं दी जाती। लताकी फिल्डर में बिजली की समस्या बहुत खराब चल रही है। मेरे गांव में बहुत ही मैंने बिजली का समस्या है, इसलिए जब गांव में आएंगे बिजली का पेमेंट करने के लिए तो हम लोग इस पर पूरा अनशन करेंगे और भुगतान देने में असमर्थ रहेंगे। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाई हो रही है और गर्मी से सारे लोग बेहाल हो गए। 24 घंटा में 2 घंटा तक भी लगातार बिजली नहीं दे रहे हैं। मैं जमुआ प्रखंड गोलहैया गांव से सियाटा पंचायत से बोल रहा हूं। यहां जो लाइन का व्यवस्था है एकदम पूरा चरमरा गई है। अभी पारा 42 डिग्री गिरिडीह जिला का है और यहां 42 मिनट भी लाइन नहीं दिया जा रहा है। और बिल की बात किया जाए तो प्रत्येक 25 तारीख को बिल लेने के लिए पंचायत में गांव में कैंप लगाकर बिल को वसूला जा रहा है। जैसे एकदम कोई मर्डर कर दिया उस तरह से केस भी कर दिया जा रहा है जो बिल नहीं भुगतान कर रहा है। और आदमी अभी इतना परेशान है गर्मी में, रात भर सो भी नहीं सक रहा है, बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है। उधर बच्चा को एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है सरकार और इधर एक तरफ बिजली विभाग एक जरा सा लाइन नहीं दे पा रही है। इस तरह से अगर 2-4 दिन और स्थिति रही तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग सड़क जाम करेंगे। मैं जमुआ प्रशासन और बिजली विभाग से और यहाँ के जो जेई हैं दुर्गेश नंदन सहाय से मैं यह नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देकर बिजली की व्यवस्था लताकी फीडर में ठीक किया जाए। कि जब से हम लताकी फीडर में लाइन दिया गया है उस दिन से आज तक लताकी फीडर में कभी भी लाइन सुधार के नहीं चल रहा है। और जब चल रहा है तब दिन भर मैंने 24 घंटा में आधा घंटा लाइन दिया जाता है और 2011 में लाइन आया है उसी दिन से बिजली बिल जो सो जोड़ा जा रहा है और बिजली हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर बिल हम लोग को मिल रहा है, बिल मिल रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक हम लोग का बिल मिल रहा है। लेकिन इसमें मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि जो सब बीपीएल पहले तो लाइन दिया गया बीपीएल वाले को, तब बीपीएल को सरकार दे रही 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूँ, ऊपर से उसको पेंशन बीपीएल परिवार को। और आज बीपीएल परिवार को जो है सो आज दे रहा है बिजली बिल जो सब डीबीसी वाले दे रहे हैं बीपीएल परिवार वाले को 30,000, 40,000 रुपये का बिल दिया गया है। अब सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें क्या समझौता किया जाए कि जो बीपीएल परिवार को जो 30,000-40,000 रुपये दिया जा रहा है बिल दिया जा रहा है इसमें क्या होना चाहिए। वो तो बूढ़ा लोग है, बीपीएल परिवार तो सरकार गरीब मान रही है और सरकार जो है उसको बीपीएल परिवार को गरीब मान रहा है और उसको 1 रुपये किलो चावल दे रहा है, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है, ऊपर से पेंशन भी दे रहा है और उसको जो सो डीबीसी 30,000-40,000 रुपये जो सो बिल दिया गया है उसमें क्या होना चाहिए। मैं सरकार से मैं उसके बाद भी लाइन इसमें दिया नहीं जा रहा है, यही कारण से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इसमें क्या समझौता किया जाए। क्योंकि इधर हमारे जो है लताकी फीडर का जो है दुर्गेश नंदन जी जो है जई ये तो कहता है कि हमको बिल नहीं दीजिएगा तो मैं सब पर एफआईआर ही करेंगे। अगर बिल नहीं दीजिएगा तो सब आदमी पर हम एफआईआर करेंगे, जो बीपीएल है चाहे एपीएल है चाहे कोई भी है,
हम सब पर एफ आई आर करेंगे, हमको बिल चाहिए। इनको जो है बिल से मतलब है, और हम लोग जो है बीपीएल परिवार को जो है हम लोग पेट के मतलब है, पेट से हम लोग भूखे मर रहे हैं। और इधर सरकार हम लोग को एक रुपये किलो चावल देता है, एक रुपये किलो गेहूँ देता है, और किसी तरह से बिल भी दे जाए, लेकिन लाइन नहीं मिलती हम लोग के पास। इसमें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग की क्या दिक्कत है। हमसे बिल जो वसूली कर रहा है, थोड़ा बहुत जो भी ले रहा है, 1000 2000 5000 जो भी ले रहा है, बिल तो हम लोग देते आ रहे हैं। हालांकि बीपीएल परिवार के आदमी हैं, लेकिन फिर भी जो वसूली किया जा रहा है, उसके बाद भी लाइन हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है। इसमें सरकार इसका क्या समझौता करे, हम लोग को थोड़ा। इधर बिजली के लचर व्यवस्था को लेकर जमुआ बिजली विभाग के जेई दुर्गेश नंद सहाय से बातचीत के दौरान बताया गया कि लताकी फीडर को ऊपर से ही बिजली कम मिलती है, इसके साथ शेडिंग भी कम मिल रहा है, जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही है।